नमस्कार, चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा राज्यसभा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक व्यवस्था जिन जिन देशों में अपनाई गई है, वहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, और व्यवस्थापिका के रूप में संसद निर्मित होती है, जिसके सामान्यतः दो सदन होते हैं, जिन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, तथा इसमें से 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इसमें मनोनीत या नामित किए जाते हैं। जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि, ज्ञान और अनुभव रखते हैं। राज्यसभा में संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसका चुनाव जो होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में संसदात्मक के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था भी अपनाई गई है, जहां संघ और संघ की इकाइयों लिखी हुई है। संघ की इकाई अर्थात राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जैसा हम जानते हैं कि अमेरिका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन भारत में प्रत्येक राज्य अपने जनसंख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजता है। सामान्यतः अमेरिका में जिस प्रकार 50 राज्य है और वहाँ प्रत्येक राज्य अपने यहाँ से दो सदस्यों को भेजता है, तो उस हिसाब से अमेरिकी सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 निर्धारित की गई है। हाल ही में राज्यसभा के निर्वाचन की दृष्टि से दो संशोधन किए गए हैं। पहला ये कि राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी के लिए आवश्यक नहीं है कि उस राज्य की विशेष मतदाता सूची जहां से वह चुनाव लड़ना चाह रहा है उसमें उसका नाम हो, और दूसरा, राज्यसभा के लिए अब होने वाला मतदान गुप्त होने के बजाय खुला और पारदर्शी मतदान होगा। अब राज्यसभा के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तथा राज्यसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, वह वेतन के रूप में 1,25,000 मासिक वेतन लेता है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रहता तो उसका पद या उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं त्याग पत्र भी दे सकता है तथा उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार राज्यसभा में सभापति के अतिरिक्त उपसभापति भी होता है, जो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अब हम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, इस बात पर चर्चा करते हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, न विकृत मस्तिष्क का हो, न दिवालिया हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के द्वारा कानून बनाकर इस पद के लिए निश्चित की जाए। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल की। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है, और एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और
अन्य सदस्यों को भी उनकी जगह चुन लिया जाता है। राज्यसभा का अधिवेशन एक वर्ष में दो अधिवेशन होते हैं, लेकिन इसके अधिवेशनों की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के लिए 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राज्यसभा संसद का उच्च सदन और द्वितीय सदन है, जिसमें संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रत्येक राज्य इसके अंतर्गत अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपने सदस्यों को भेजता है। सामान्यतः एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद हर 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से ही वेतन दिया जाता है, और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधानमंडलों के अध्यक्षों को प्राप्त होते हैं, जैसे सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 भाग होती है। राज्यसभा जो सदन संसद का द्वितीय सदन कहलाता है वह है। लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वह विभिन्न प्रकार के विधेयकों को कानून के रूप में निर्मित करने में लेता है। लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी विधायी शक्ति, संविधान में संशोधन के संबंध में शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विविध शक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोकसभा की दो ऐसी विशेष और अन्य शक्तियों का विवेचन भी कर सकते हैं जो सिर्फ राज्यसभा की दो ऐसी विशेष अनन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो सिर्फ राज्यसभा ही प्रयोग में लेती है। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, और ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो इसे फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राज्यसभा की जो दूसरी अनन्य शक्ति और शिष्ट शक्ति है वह है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नहीं अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक अगर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं करे तब तक संसद या भारत सरकार नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन नहीं कर सकती। इस प्रकार राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है वरन द्वितीय महत्व का भी सदन है। शक्तियों की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिका सीनेट के बीच की कही जा सकती है।